सदनों का है वो सब चीज़ें डिस्कशन में आज वहाँ पे ली गई हैं और बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद राहुल गांधी जी तकरीबन 4 से ज़्यादा लीडरों को कल मिले थे, आज 9 से ज़्यादा लीडर हैं आज मिल रहे हैं। तो हर कोई अपनी बात अंदर उनको बता रहा है। तो सीधी बात है, इलेक्शनों में कैसे जाना है, एक ही सवाल है सबसे बड़ा। हर इलेक्शन जो है 2022-21 की जो ये एक साल है, तो उसमें इलेक्शनों में कैसे जाना है, असली बात ये है। तो हर अपनी अपनी बात वो कर रहा है, क्या क्या सुधार करने हैं, कहाँ कहाँ सुधार करने हैं। हर पार्टी 6 महीने पहले इलेक्शनों से ये चीज़ें करती हैं। और इस बार अच्छी बात ये है भाई, हाईएस्ट लेवल पे इतना सीरियस लिया जा रहा है पंजाब को, खास तौर पे क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, माइनॉरिटी स्टेट है। लीडरशिप खुद वहाँ पे इंटरेस्ट ले रही है और आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर सब चीज़ें उनको ठीक कर लिया जाएगा, जो चीज़ें आवाज़ें उठ रही हैं उनको भी ठीक कर लिया जाएगा। एक हफ्ता के सामने आप आएंगे तो नई उसमें नई टीम भी होगी, पुराने लोग भी होंगे और बहुत ही अच्छी तरह हाई कमांड की देखरेख में कैप्टन अमरिंदर सिंह या बाकी सारी सीनियर लीडरशिप वो काम करेगी। बिट्टू साहब, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक हुई है कमेटी के सामने, उसमें आप भी मौजूद थे, क्या बातचीत हुई है आखिर? मैंने जैसे आपको बताया भी वहाँ पे आज 3 घंटे से ज़्यादा मीटिंग हुई है और उसके बाद हम फिर कैप्टन साहब जब चले गए थे फिर कमेटी को मिले हैं। ये ऐसी बातें, मतलब अब मीडिया की ज़्यादा है बात तो ये है, बाकी ये मीटिंग तो चलती रहती हैं, एमपी मिलते रहते हैं, एक तो हमारे एमपी भी हैं और राज्यसभा के लीडर भी हैं और इंचार्ज है हरीश रावत जी, तो ये चीज़ें तो मीटिंगें मिलती रहती हैं। लेकिन आप जो बड़ी बात कह रहे हैं वो राहुल गांधी जी ने खुद अपने हाथ में ये कमान संभाली है और राहुल गांधी जी खुद एक एक चीज़ मिन्यूटली वो देख रहे हैं और उसे किस तरीके से और अच्छी तरीके से पंजाब को रीवैम्प करके, पंजाब को और अच्छी तरह करके चलाया जाए, यही उनकी मंशा है। नवजोत सिंह से तो लगातार जो हमले कर रहे हैं मिनिस्टर पे, अलग अलग उस पर, वो तो आपको पार्टी हाईकमांड देखेगी। आज ये चीज़ें भी तकरीबन हर लीडर ने बताया है, अभी जिस तरीके से मीडिया में ये बातें आई हैं उसके ऊपर बहुत गंभीर संज्ञान है जो पार्टी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी या कमेटी है वो बड़ी इस चीज़ के लिए हैरान भी ये जब कमेटी के सामने सब आ रहे हैं तो ये क्यों ये हुआ, इसके कारण क्या है। तो मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ भी ना पार्टी हाईकमांड ना कोई कांग्रेस का वर्कर इस चीज़ को कोई भी इसे लाइटली लेगा, ना कोई इसे अच्छा समझेगा, सब में नाराजगी है इस चीज़ की। 6 महीने से नुकसान होगा क्या? देखो, एक आदमी दो आदमी पार्टी हैं तो बहुत समंदर है, अगर पार्टियों में कोई इंसान समझने लगे ये पार्टी मेरे से है तो मैं समझता हूँ वो बहुत गलतफहमी होती है। पार्टी उसी तरीके से चलती रहती है, पार्टी में और आप क्या सोच रहे हो, तो मुझे मौका मिल गया, मेरे से अच्छे लोग मेरे लाइन में पीछे मेरे से बहुत अच्छे खड़े हैं, हम मेरे जैसे को मौका मिल गया तो मैं बन गया, तो ये थोड़ी है बात, जो पीछे मेरे खड़ा है अगर उसको मौका मिले वो मेरे से भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए ये समझना, ये कई बार ऐसे सोचा जाता है ना भाई, धरती गलत है, किसी एक आदमी के उंगली पे ना उस पर घूमती है, ये चीज़ें कई बार इंसान को हो जाती हैं और वो भी जब इंसान बहुत टाइम से अंदर बैठा हो, बाहर की दुनिया में जब निकलता है आदमी फिर पता चलता है हालात क्या हैं। अंदर कमरे में एसी में ठंडा बैठ के, ठंडक में बैठ के कोई मंथन नहीं हो सकता, कोई असलियत नहीं पता चल सकता। बिट्टू जी, तो क्या पार्टी हाईकमान जो है इसको इनडिसिप्लिन समझ के जो सिद्धू बोल रहे हैं? नहीं, तुसी येनू डिसिप्लिन समझ दे, तो मैं भी कुछ की क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तुसी येनू की येनू डिसिप्लिन समझोगे? एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर किने बनाया? श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने बनाया चीफ मिनिस्टर ने ना मौजूदा। जे एक पार्टी का कोई भी लीडर हो, वर्कर हो, जे उल्ट बोलेगा तो वो भावना ही यह है, वो भावना नू मतलब ये समझो ना, वो तो चाहता ही है भी मैं साफ तौर पर उल्ट बोल रहा, तो एक चैनल पर नहीं होंगी गल, जो
मैं कहना सैकड़े चैनल से तुम इको गल दराओ तो तुम जो कैबिनेट हो आप कैबिनेट का हिस्सा हो तो उदों दल करो तो जे आम बंदे की की गल करोगे जो कैबिनेट मंत्री ये कहे मेरी नहीं सुनते तो मैं समझदा ये बहुत मंदभागी गल आ। कैबिनेट मंत्री एक महकमे का मुख्यमंत्री होंगे तो इस करके मुख्यमंत्री दे कोल फाइल जा पर बहुत कुछ आ जोड़ा वो कैबिनेट मंत्री है जोड़ा वो आम मालिक हों तो उन्होंने जरूर ये दसना चाहिए भी मैं लोकल बॉडी जो मेरे को दो ढाई साल तो वह महकमा रहा मैं कितने परफॉर्म किया है की शहर की नुहार बदली आ चंगा होंगे जे ना वो यार किसी माड़ा कहना तो किसी पत्थर मारना तो बहुत सौखा है आप की गल करो बंदा आप की भी तुम की किया है हर बार सौखा काम किसी तो रोप ला के निकल जाओ क्योंकि इलैक्शन नेड़े आ गई हूँ पार्टी बदलने का समा हों तो किसी माड़ा कह दो तुम ये कहने हो भी चलो हूँ मैं हजे माड़ी गल करना नहीं चाहता करा आने वाले दिनों क्योंकि हजे कमेटी को गल है।